Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Akanksha and you are watching Glam with Kukku. So, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ट्रेडिशनल गुजराती मेकअप लुक. एंड अगर आप सीखना चाहते हैं इस ग्लैम से मेकअप लुक को, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें. तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकअप है. इसके बिना आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा फटाफटा लगेगा. एंड स्किन को मॉइस्चराइज़ करना तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है मेकअप से पहले. अब मैंने यूज़ करा है एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर. प्राइमर लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमारी स्किन को बचाता है मेकअप से, एक लेयर क्रिएट कर देता है हमारे फेस के ऊपर. अब बारी हमारे डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए. इसके लिए हमको लेनी है पिंक लिपस्टिक या ऑरेंज, देन उसको अपने हैंड पे ऐसे अप्लाई कर लेना है. फिर आपको ऐड करना है थोड़ा सा फाउंडेशन लाइक दैट, एंड फिर उसको इस तरह से आपको मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है. ये बहुत ही अच्छे करेक्टर की तरह वर्क करेगा. देन आपको लेना है ब्यूटी ब्लेंडर एंड अपने पूरे फेस पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है, ताकि आपकी सारी पिगमेंटेशन अच्छे से कट हो जाए. ब्लेंडिंग में आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, मेरी तरफ से आपके लिए एक टिप है. अब आपको लेना अपना फाउंडेशन एंड अपनी हैंड पे ऐसे निकाल लेना है. फिर आपको लेना अपना लूज पाउडर एंड उसको थोड़ा सा इसमें मिक्स करके ऐसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है. एंड ये तैयार हो जाएगा हमारा कंसीलर. इससे हम अपनी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छे से हाइड कर सकते हैं. यू कैन सी, ऐसे आपको अप्लाई कर लेना है. देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी ब्लेंडिंग. ये बहुत ही अच्छे कंसीलर की तरह वर्क करता है. अगर आपके पास कंसीलर नहीं है सो आप खुश हो जाइए, आप अपना कंसीलर खुद घर पे बना के यूज़ कर सकते हैं. ब्लेंडिंग के लिए आप या तो ब्रश यूज़ कर लें, ब्लेंडर यूज़ कर लें, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग. अप्लाई करूँगी अपना फाउंडेशन ऐसे डॉट डॉट करके, पहले अपने फेस पे आपको स्प्रेड कर लेना अच्छे से. एंड हमने एक ही फाउंडेशन से अपने दो दो काम निपटा लिए, नाइस. एंड अब हम करेंगे इसको ब्लेंड बहुत ही अच्छे से. ब्लेंडिंग में ऑलवेज आपको टाइम देना है अच्छे से. मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ. फेस हाइलाइटिंग के लिए या तो आप ऐसा कोई कंसीलर यूज़ कर ले, मैंने यहाँ पे मेबेलिन फिटमी का कंसीलर यूज़ करा है, या फिर आप अपना कंसीलर खुद भी बना सकते हैं किसी भी लाइट फाउंडेशन से. एंड अपने हाइलाइटेड पार्ट्स पे आपको कंसीलर अप्लाई कर लेना है, जैसे मैंने करा है, यू कैन सी. एंड फिर आपको ब्लेंड कर लेना है. आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, ब्रश से ब्लेंड करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग. फेस को हाईलाइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा फेस एकदम फ्लैट सरफेस की तरह लगने लगता है. सो उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हम करते हैं कॉन्टोरिंग, या फिर हम ओनली कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लाइट शेड का कंसीलर. बिकॉज मोस्टली लोग कॉन्टोरिंग करना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें लगता है मेकअप बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर. हमने अपने फेस पे जो जो भी लगाया है हमें उसे एकदम सील पैक करना है, अदरवाइज स्वेटिंग आके हमारा बेस फट जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा. सो स्वेटिंग को रोकने के लिए हमें अपना बेस सेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको अपने बेस को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना है सो आई सजेस्ट आप लूज पाउडर यूज़ करें, बिकॉज ये आपके बेस को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देते हैं. नाउ इट्स टाइम टू यूज़ ब्रॉन्ज. मैंने यहाँ पे यूज़ करा है कलर सेंस का ब्रॉन्जर, और इसका शेड जो है ज़्यादा डार्क नहीं है, नॉर्मल है, लाइट सा है. सो फर्स्टली मैंने इसको यूज़ करा था अपनी चिक्स पर, देन मैंने इसको अप्लाई करा था अपने फॉरहेड पर, एंड अपनी जॉलाइन पे भी मैंने अप्लाई करा था. एंड इससे होता ये है कि हमारे फेस को थोड़ा स्ट्रक्चर मिल जाता है, एंड थोड़ा लाइक वार्म टाइप का इफेक्ट भी आ जाता है हमारे फेस के ऊपर. सो अगर आपको वार्म टाइप का इफेक्ट पसंद है सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट. ब्लश के लिए आई एम यूजिंग दैट शेड फ्रॉम माय आई शेडो पैलेट, एंड मैं इसको एज अ ब्लश यूज़ करूँगी, बिकॉज ये वाला शेड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मास्टर क्रोम का हाइलाइटर, एंड ये फैन ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी. यू कैन सी इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. आईब्रो फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की आईब्रो पेंसिल, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. इसकी एक साइड में हमको स्पूली भी मिलता है, जो कि लाइक बहुत अच्छा रहता है आईब्रोज को ब्रश करने के लिए. एंड आई मेकअप मैं लास्ट में कर रही हूँ, बिकॉज मेरा आई मेकअप जो है इतना हैवी नहीं है. अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ऑरेंज शेड आई मेकअप के लिए एज अ ट्रांजिशन कलर. मुझे ऑरेंज कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड देन इसके बाद हम जस्ट यूज़ करेंगे शिमरी आई शेडो, एंड दैट्स इट. हमारा आई मेकअप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. फिर इसके बाद आपको यूज़ करना है काजल. मैंने यहाँ पे सोल्ट्री का काजल यूज़ करा है.
फिर आपको लेना है एक प्रिसाइज ब्रश एंड जस्ट इसको आपको ब्लेंड कर लेना है अच्छे से, ताकि आपको लाइक अपनी वाटर लाइन के नीचे स्मोकी सा इफेक्ट मिले, यू कैन सी। फिर मैंने यूज़ करा थी ऑरेंज ग्लिटर, यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल लगता है। ये वाला स्टेप अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको अप्लाई करना है अपना कोई भी फेवरेट आई लाइनर। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अपने लाइनर को थोड़ा स्मज करके इसको थोड़ा स्मोकी टाइप का लुक प्रोवाइड कर दूँ, बिकॉज मुझे लाइनर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, सो दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा स्मज कर लिया। लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग दैट ब्राउन शेड, एंड यहाँ पे हम ओम्ब्रे लिप्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको लेना है एक लाइट लिपस्टिक, एंड दोनों को आपको इस तरह मर्ज कर लेना है, एंड यू कैन सी यहाँ पे आपके ओम्ब्रे लिप्स रेडी हो जाएंगे। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मेकअप लुक है, सो बिंदी के बिना तो मेकअप कम्प्लीट हो ही नहीं सकता है, एंड गुजराती मेकअप है तो मैंने चिन पे भी यहाँ 3 डॉट्स अप्लाई करे हैं एंड आइज़ के पास भी गुजराती लुक लाइक प्रोवाइड करने के लिए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करी इस फिस ब्यूटी की ये 3D स्टूडियो वाली लैशेस। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लैशेस हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिल जाती हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करा है सोल्ट्री का मस्कारा, ये एक आयुर्वेदिक मस्कारा है। सो यहाँ पर हमारा गुजराती ट्रेडिशनल मेकअप होता है ख़त्म, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ टेक केयर।